स्टार्ट करते हैं हम अपने साउंड ए को पढ़ते हैं हम आ ए आ। बी को पढ़ते हैं बा, सी को सा का, डी को ड द, ई को ई ए, एफ को पढ़ते हैं फा, जी को पढ़ते हैं जा और गा, और एच को पढ़ते हैं हा। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जब मैं आपको ये चीजें जैसे डबल डबल इसको सिंगल सिंगल को छोड़ के इसके अंदर डबल और ट्रिपल और फोर टाइम चीजें जो आ रही है मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको कब और कहां कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ई को पढ़ते हैं आ ई आए। जा को पढ़ते हैं जा, का को पढ़ते हैं का, ला को पढ़ते हैं ला, एल को पढ़ते हैं ला, एम को पढ़ते हैं मा, एन को पढ़ते हैं ना, ओ को पढ़ते हैं आ ओ ओ। सारे प्रोनाउंसिएशन हमें देखने हैं कि हमारे जो माउथ से कैसे कैसे उसकी ध्वनि आ रही है, कैसे कैसे उसका साउंड आ रहा है, उसी के हिसाब से हम इंग्लिश की स्पेलिंग निर्भर करती है इसमें। ठीक है, पी को पढ़ते हैं पा, क्यू को पढ़ते हैं का, आर को पढ़ते हैं रा, एस को पढ़ते हैं, एस को हम तीनों सा पढ़ते हैं और इसके अदर सारे पढ़ते हैं सा शा, सा और स। ठीक है, टी को टा और ता दोनों पढ़ते हैं, यू को या उ आ तीनों पढ़ते हैं, वी को वा, डब्ल्यू को बाल पढ़ते हैं और बाल पढ़ते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे इसको। एक्स को हम एक्स को हम ए पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं, झा पढ़ते हैं, ग्या सॉरी। और वाई को हम पढ़ते हैं या ई ई और जेड को हम पढ़ते हैं जा और ज। ये डबल जा नहीं है, आप इसको गौर कीजिए और एकदम एकदम फोकस से इसको देखिए, इसके नीचे बिंदी है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ज, क्या पढ़ते हैं इसको ज। ये जो टेबल है आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आप ये बेसिक एकदम लेवल है, आप इसके बिना ऊपर नहीं जा सकते, आप इसके बिना एडवांस में नहीं जा सकते हैं। तो आप पहले इसको दो तीन दिन खूब इसको याद कीजिए, मुझे लगता है ऐसा कि आप इसको एक दिन के अंदर दो तीन तीन चार बार पढ़ोगे और आपके एकदम माउथ पे एकदम हैबिट में आ जाएगी और धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो ताकि हम नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ सके। और मुझे ये बताना है कि रोज की हमारी जो क्लास होगी वो आधा घंटा हमारे ग्रामर पे होगी। ठीक है, आधा घंटा से 10-15 मिनट ज्यादा भी हो सकती है, आधा घंटा तो है ही, आधा घंटा हमारी ग्रामर पे होगी और आधा घंटा हमारी स्पीकिंग पे होगी। ठीक है, ऑनलाइन में स्पीकिंग कैसे कराऊं वो मुझे पता नहीं चल रहा है, पर मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे आए और अपना सामने करें स्पीकिंग और आपको पता चले। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पीकिंग का जो पोर्शन है आप ग्रामर तो से यहाँ से कर लोगे ऑनलाइन से, पर आप जो स्पीकिंग का अच्छा पोर्शन है आप उसको ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आने वाला का वेलकम है यहाँ पे, और जो ऑफलाइन बैच है मेरा मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी, अभी मेरा कोई ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं है, अभी थोड़े से बचे हैं, अभी मेरा सेटअप पूरा नहीं लगाया है, जैसे मैं सेटअप लगाऊंगी ऑफलाइन बैच का स्टार्ट करूंगी ऑफलाइन बैच, समथिंग में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास जब भी ये स्टार्ट होगा, मैं अपनी वीडियो में इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। और दूसरा ये कि आधा घंटा अब इस ग्रामर का हो गया, हम स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके,